अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस इंग्लिश साइंस का लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो मेरिट है उसी के बारे में। डियर स्टूडेंट, लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी का बीएस इंग्लिश साइंस का जो मार्निंग का मेरिट था वो 91.28% रहा है, और जो इनका इवनिंग का मेरिट था सेल्फ सपोर्ट का वो डियर स्टूडेंट्स 84.99% रहा है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएस इंग्लिश साइंस के पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था उनका मार्निंग का मेरिट 96.54 रहा है, और जो उनका इवनिंग का मेरिट था वो 62.53 रहा है। अगर आप बीएस इंग्लिश साइंस के इंटरमीडिएट के बाद अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी ने 25% आपके मैट्रिक की वेटेज को शामिल करना होता है, 50% आपके इंटरमीडिएट को, और 25% उन्होंने जो आपने एंट्री टेस्ट दिया होता है उसकी वेटेज को शामिल करना होता है। और अगर आप बीएस इंग्लिश साइंस के पाँचवें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं तो वहाँ डियर स्टूडेंट्स आपके मैट्रिक की वेटेज और उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद जो आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की होगी, इन तीनों का जो मेरिट कैलकुलेशन है और उन तीनों का जो मेरिट है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उन तीनों के नंबर्स जो उनसे उनको मद्देनज़र रखते हुए आपका मेरिट बनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो एसोसिएट डिग्री की होती है, मीन्स जो आपकी 14 साल एजुकेशन है उसकी ज़्यादा जो वेटेज है वो शामिल की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।